नमस्कार। 500 साल बाद आज वह क्षण आ गया है जो अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लला, जिसे हम कहते हैं, उनके भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर और चमत्कारिक मंदिर के शिलान्यास होने जा रहा है। भाई नरेंद्र भाई मोदी सरदे प्रधानमंत्री अपने मुबारक हाथों से उनका शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है अयोध्या के अंदर। भगवान राम की, यानी कि कहें कि 500 वर्ष बाद ये लौटे हैं, उस खुशी में ये छावड़ा चौक है, यहाँ पर लड्डू वितरण यानी कि चल रहा है। तो हम जानेंगे साहिल बिहाना जी से कि जो यहाँ हैं अपने हमारे हांसी के विधायक, उनके फरजंद हैं, उनके पुत्र हैं, कि इस खुशी में यहाँ छावड़ा चौक पे आप खड़े हैं तो कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है और कैसा फील कर रहे हैं जब भगवान लला राम जो अयोध्या वापस लौटे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज 492 साल बाद, आज 500 वर्ष, लगभग 500 साल बाद आज राम जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ राम जन्मभूमि अयोध्या का ही भूमि पूजन की शुरुआत नहीं है, या राम मंदिर की शुरुआत नहीं है, एक नए युग की शुरुआत है। नए युग की शुरुआत होने जा रही है। क्या बात है। क्योंकि श्री राम हमारे मन में बसते हैं, श्री राम हमारी आत्मा में है, श्री राम हमारे प्राणों में है। जो खुशी हमें अब हो रही है, जो आज भूमि पूजन हो रहा है, इसे मतलब एक अपने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो मैं समझता हूँ इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यानी कि अपार खुशी है, अपार खुशी है। ये हमारे आराध्य जो बिल्कुल जो स्थापित होंगे, मतलब आप देखो, जब भी हम सोचते हैं कोई भी काम करते हैं, हम कहते हैं राम देख लेगा, राम देख लेगा, मतलब एक राम नाम ही इतना बड़ा है, राम नाम ही इतना बड़ा है कि राम के नाम के आगे कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए हो नहीं सकती। हमारे साथ खड़े हैं विधायक महोदय के राजनीतिक सचिव दिनेश भूटानी जी, जो अक्सर यानी कि राम इन जिनके अंतश्य में बसता है, हर यानी कि प्राणी के अंतश्य में राम बसता है। आज राम जन्मभूमि का पूजन हुआ है, राम मंदिर का पूजन हुआ है, सरदे नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही हर्ष का विषय है और काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है, ये युगों युगों तक ये याद रखे जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे राष्ट्र में हिंदू समाज सिर उठाकर कह सकेगा जय श्री राम। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी ने जो कार्य किया है, इस कार्य को अंतिम छोर तक ले जाकर आज नींव रखने का जो कार्य हो रहा है, वाकई में काबिले तारीफ है। आप एक जोरदार यानी कि एक नारा लगाएंगे भगवान राम के नाम का, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब हम लड्डू खाएंगे, क्यों ना खाएं, कि रामलला स्थापित हो रहे हैं अयोध्या में, 500 साल का वनवास काट कर यानी कि वापस आ रहे हैं, सबको अपार खुशी है। ऐसे राम कोई नाम नहीं है, राम एक विचार है, हर जनमानस में बसा हुआ एक विचार है, हर आराध्य है, पूरे विश्व के आराध्य है, एक विचार है, ना जाति है ना धर्म है, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, एक चरित्र है और एक ऐसा राम दशरथ नंदन कहलाए, राम कौशल्या नंदन कहलाए, वाल्मीकि नंदन कहलाए, ना कितने रूप है राम के। जब जन्म लेता है बच्चा, जब भी हम राम का नाम लेते हैं और जब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, जब भी राम का नाम लेते हैं, जन्म से मोक्ष तक राम ही राम है, ऐसी भावनाएं हैं। देख रहे हैं कि छाबड़ा चौक के अंदर लड्डू वितरण हो रहा है, इस खुशी के अंदर राम भक्त कैसे यानी कि एक भगवान राम के नारे लगाते हुए, भगवान राम का उद्घोष करते हुए ये सब लोग हैं, अंतश्य में बसा हुआ है। हम क्या बात है साहब, प्रधान जी हम भी लड्डू खा रहे हैं, हमारा भी फोटो खींचिएगा। अक्सर मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन राम भक्त हूँ, इसलिए राम नाम का लड्डू खा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रताप यानी कि छाबड़ा चौक में, जो कि कनॉट प्लेस ऑफ हांसी कहलाता है, भीड़ भाड़ का इलाका है, गारमेंट्स की दुकानें हैं, यहाँ लोगों में कितना उत्साह है, दुकानदारों में अपने आराध्य राम के प्रति कितनी आस्था है। ये आस्था का विषय है, ये एक विचार का विषय है। भगवान राम 500 वर्ष बाद लौटे हैं,
एक संघर्ष के बाद, अपार संघर्ष के बाद भगवान राम का दिव्य मंदिर, विशाल मंदिर और एक चमत्कारिक मंदिर बनने जा रहा है। माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुबारक हाथों से, अपने पवित्र हाथों से वहाँ शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है। संभवतः ये मंदिर जल्द ही बनकर तैयार होगा, ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ कि इस भावना के साथ कि राम बन गए तो बन गए, तो राम बन गए तो बन गए, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आप देखते रहिए हासी की आवाज़। नमस्कार दोस्तों।